हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं पेड़ पौधे एवं जंतुओं के वीडियो को कंटिन्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 क्वेश्चन से, और अगर आप भूल गए हो या फिर नहीं पता हो, अगर आप न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियोस में खास आपको यही मिल जाएगा कि सभी जो TET के पेपर हैं वो गैदर करके हमने सारे क्वेश्चन को इस एक ही वीडियो में रखते हैं, और जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो पहला दिया, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो जी हाँ, ये तो सही है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं? नहीं, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है पूरे झुंड की नेता होती है। जी बिल्कुल सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? तो नहीं। यहाँ पे जो आपका ए आंसर और सी आंसर है वो एकदम सही है। तो आपका जो उत्तर ए और सी यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो आपका जो सी उत्तर है वो है एकदम सही। आपको वीडियो को करनी है पॉज, मन में आंसर को सोच लेना है और फिर आपको वीडियो को चलानी है। तो जीवन प्रक्रियाओं को वृद्धि और प्रजनन युग्म जो है वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलती है। वृद्धि देखो भाई दोनों की होती है, पेड़ पौधों की भी होती है, जीव जंतुओं की भी होती है, और प्रजनन जो है वो भी दोनों में होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें भोजन बनाना, तो जो भाई भोजन तो इंसान भी बनाता है लेकिन वो डिपेंड होता है, वो खुद से नहीं बना सकता है, ठीक है। और पेड़ पत्ते जो है वो खुद से बनाते हैं। और यहाँ पे बात करें अगर अंकुरण की, तो अंकुरण भाई इंसान अंकुरण नहीं करता है। और वृद्धि और भोजन बनाना, वापस यहाँ पे वृद्धि और भोजन बनाना, तो भोजन बनाना भाई इंसान भोजन तो बनाता है लेकिन अपना भोजन वो स्वयं बनाता तो है लेकिन वो किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, खुद से अपने ही भोजन वो प्राप्त करके नहीं बना सकता है, तो ही नीड टू डिपेंड ऑन समवन एल्स। तो इसका जो सी उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 18 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखो कितना ईजी क्वेश्चन दिया है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। और भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को हम रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से हम बाघ को जानते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम पूछे तो पैंथरा टाइग्रिस है, ठीक है। अगर परीक्षा की दृष्टि से हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ले भारत में, तो जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी अगर हम कहें तो मयूर या तो मोर कह सकते हैं आप। राष्ट्रीय अगर जलीय जीव पूछ ले तो वो सुनसू है। सुनसू हम लिख के आपको बस दिखा देते हैं, सुनसू ऐसे लिखते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं अंधी डॉल्फिन, जो डॉल्फिन देख ही नहीं सकती है, वो हमारी जो है राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि अंधी डॉल्फिन। आपको आंसर्स में या तो सुनसू लिख के मिल जाएगा, या तो डॉल्फिन भी लिख के मिल सकता है, या अंधी डॉल्फिन भी लिख के मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। राष्ट्रीय फल हम सबको पता है कि आम है, और राष्ट्रीय वृक्ष अगर बात करें तो बरगद है, जिसे हम वट भी कहते हैं। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है 19। वनों के महत्व के कारण हैं। तो वनों के जो महत्व के कारण हैं, वन हमारे लिए बहुत ही अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं, और हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, गोद, शहद और बहुत सारी औषधि भी मिलती है इससे। तो इस कारण से वृक्षों को हम क्या? हरा सोना मानते हैं। तो ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड, वनों को ही हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भिंडी में पाया जाता है, तो भिंडी जो है एक सब्जी है, और सब्जी है इस सब्जी में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, और इसमें पाया जाता है फास्फोरस, यानी कि विटामिन ए भी मिल गया, विटामिन सी भी मिल गया। तो ये सभी आपका उत्तर सही है। फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है। तो डी उत्तर जो आपका बिल्कुल सही है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 21 है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो भारत में फलों के अंतर्गत जो आम की खेती है वो सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है। उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक है। कभी कभी स्टेट का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसकी खेती में जो है वो सर्वाधिक है। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
22 है, निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा जो है वो प्राप्त होती है? तो भाई कुनाइन नामक दवा जो है वो सिंकोना के प्लांट के छाल से प्राप्त होती है, और कुनाइन दवा का प्रयोग हम सभी जानते हैं कि मलेरिया के उपचार में किया जाता है, और ये सामान्य रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं और इसके तने जो है वो चौड़े होते हैं, और जो तने का घेरा है वो 7 मीटर तक का भी पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 7 मीटर तक का पाया जाता है इसका तना मोटाई में। और इस पेड़ का जो नाम है सिंकोना प्लांट है। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 23 है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग एवं केसर जो है वो पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं, यानी कि कली से प्राप्त होते हैं। तो केसर का उत्पादन भारत के जो है जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे अधिक होता है, और लौंग का उत्पादन जो है केरल में सबसे अधिक होता है, यानी कि लौंग के लिए जो है केरल और केसर के लिए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 24 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? तो इसका राज्य प्रतीक नहीं पूछा गया है, तो बाघ जो है वो उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। तो राज्य प्रतीक इसके जो है वो कौन कौन से हैं? तो इसके जो राजकीय पक्षी है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी जो है वो है मोनाल, और राजकीय जो पशु है वो है कस्तूरी मृग। ठीक है, ध्यान से, राजकीय जो पक्षी है वो है मोनाल, राजकीय जो पशु है वो है कस्तूरी मृग, और राजकीय वृक्ष अगर पूछे तो वो है बुरांश, यानी कि इसमें से जो राज्य का प्रतीक नहीं है वो है बाघ। बाघ जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है, स्पेशली उत्तराखंड का नहीं है। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है 25th, बाढ़ से समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि? तो भाई बाढ़ से समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस जो है वो सांद्र हो जाता है। तो आपका जो सी उत्तर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाढ़ से समुद्भित पौधे मर जाते हैं, इनके जो पौधों की जो कोशिकाएँ हैं उसमें रस जो है वो सांद्र हो जाता है, इसीलिए वो मर जाते हैं। इनकी सांद्रता के कारण ही वो मर जाते हैं, क्योंकि तनों में ढेर सारी सांद्रता आ जाती है, तो फिर वो जी नहीं पाते हैं। मतलब उनको जैसे हमें अगर ज़्यादा सांस लेने की प्रॉब्लम होती है तो जैसे दमा हो जाता है ना, सेम वैसे उनको भी है प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा बाढ़ का पानी आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, सांद्रता बढ़ जाती है, और इसी वजह से वो मर जाते हैं। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है 26, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? तो जो अमीबा, फर्न, हेल है, ये सब तो नहीं आते हैं। कछुआ जो है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है, जबकि व्हेल जो है वो स्तनधारी जीव है, और अमीबा जो है वो एक कोशिकीय प्रोटोजीवा संघ का है, और वास्तव में सरीसृप प्राणी जगत का ही एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर ये सब चलते हैं। इसके अंतर्गत जो है सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कछुआ के साथ, यानी कि सांप आ गए, छिपकली आ गया, मगरमच्छ आ गया, ये सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरीसृप वर्ग में आती हैं। और ये फर्न, ये तो पौधे का दिया है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आए गए नहीं। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार से पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो भाई ये जो है कांटेनुमा पत्तियों को अगर दर्शा रहा है तो ये पौधा ज़रूर मरुस्थलीय या रेगिस्तान का है, क्योंकि रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां जो है वो कांटेदार हो जाती हैं, ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन जो है वो ज़्यादा ना हो पाए और पौधों में पानी की आवश्यकता की मात्रा जो है वो बनी रहे। कक्षा में शिक्षक द्वारा कांटेदार पत्ती को दर्शाकर मरुस्थलीय प्रकार के पौधों के बारे में ही उदाहरण वो दे रहा है। तो देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो जो वृक्ष का उदाहरण इसमें से है वो है बरगद, सिंपल सी चीज़ है, गुलाब पौधा होता है, तुलसी भी पौधा है, मेहंदी भी पौधा है, और बरगद जो है वो वृक्ष है। 29 देख लेते हैं, बाढ़ से संबोधित पौधे मर जाते हैं क्योंकि? देखिए फिर से आ गया है, बाढ़ से समुद्भित पौधे भैया मर क्यों जाते हैं? समुद्भित पौधे जो है खेती योग्य जमीन पे पाए जाते हैं, इसका तना जो है ठोस होता है और शाखा युक्त होता है, ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से पौधों की
जड़ों में जो है वो पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण इनके मूल में श्वसन रुक जाता है। मैंने कहा ना जैसे दमा हो जाता है तो इंसान मर जाता है, वैसे ही इनको भी दमा टाइप का हो जाता है, श्वसन रुक जाता है। मटर, टमाटर, गेहूँ, धान आदि जो है वो समुद्भिद पौधे के उदाहरण है। तो आपका जो बी उत्तर है वो एकदम सही है। आपकी जानकारी लेकिन बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 28 अप्रैल 2015 में पूछा गया था, और इसी के पहले हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था बाढ़ से समुद्भिद पौधे मर जाते हैं, वो क्वेश्चन जो था यूपी टीटी में 2014 में पूछा गया था। तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 13th है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो भाई राजस्थान का जो राज्य पशु है वो है ऊँट। वहाँ पे तो राजस्थान का राजकीय पशु इसलिए ऊँट है, यह राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है और इसे राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसके कुबड़ में जो है वसा संचित रहता है और जिसके कारण ये रेतीले तपते मैदान में 21 दिनों तक भी वो बिना पानी पिए जो है चल सकता है, और इसका जो उपयोग है राजस्थान में सवारी वगैरह और सामान ढोने वगैरह के काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ऊँट जो इसका है सही आंसर है। तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।